मुजफ्फरनगर के जिले की थाना मंसूर पुलिस को बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर खंडर पड़ी राम वाटिका कॉलोनी में छापा मारने पर भारी मात्रा में बने व अद बने तवंचे व कारतूस एक मोटरसाइकिल मोबाइल सहित हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। छापामारी के समय इरफान उर्फ राका राहुल साहिल मुस्तकीम सभी निवासी हुसैनपुर बपोड़ा मौके पर पकड़े गए। लगभग 9:45 बजे प्रभारी निरीक्षक मंसूरपुर और इनकी टीम ने रैंडम चेकिंग के दौरान जो मैकडी है इसके पीछे श्रीराम वाटिका के पास एक खंडहर नुमा ऑफिस है वहाँ पर तमंचा फैक्ट्री चल रही थी जिसमें पुलिस मुठभेड़ में इन लोगों ने 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है जिसमें इरफान साहिल राहुल और मुस्तकीम हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे वहाँ से बरामद हुए। क्षेत्राधिकारी खतौली आशीष प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय था। ये लोग बंद पड़ी फैक्ट्रियों मकानों से भी चोरी करते थे। एक तमंचा 2000 से 5000 रुपए तक बेचते थे। इनका एक साथी फरार है जो शीघ्र पुलिस पकड़ में होगा। मंसूरपुर से अभय शर्मा की रिपोर्ट।